हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, महुआ मोहित्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर के लगातार सवाल है। नहीं, सवाल उठाने वाले मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी की नेता ममता बनर्जी की कहाँ है, उनकी पार्टी कहाँ है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की संसद की एक मर्यादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें शब्दों की मर्यादा में कैसे सीमित रहना है, हमें अपना व्यवहार कैसे करना है। किसी को भी संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है। आज का फैसला प्रेरणादायी है, आने वाले हमारे जो सांसद हैं उनको भी प्रेरित करेगा कि हमें कैसा व्यवहार करना है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई भी आप सीमा तोड़ देंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। तो आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया वो स्वागत योग्य है, जितना उसका स्वागत किया जाना उतना कम है। उनके ऊपर आरोप था पैसे लेकर सदन में सवाल पूछती हैं, लेकिन इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई है, उनका कहना है कि अगर यही जांच बीजेपी पे हो तो एक दो विधायक या सांसद ही सदन में बच पाएंगे। तो वो जांच करा लें, कौन उनको रोक रहा है। जो हमारी देश की संस्थाएं हैं वो आपको अप्लीकेंट होने से रोक तो नहीं रही हैं। हमारी न्यायपालिकाएँ हैं, आपको प्रतिकार करना है, विरोध करना है, तो कोई रोका है? आप विरोध करिए, कौन रोक रहा है? आपके नियत में खोट है कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं? आपको बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, आप प्रोटेस्ट करिए, कौन रोक रहा है? विधान लोकसभा अध्यक्ष जी का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है, समाजवादी पार्टी के भी सांसद वहाँ बैठे हैं, तो प्रोटेस्ट करें। वो ममता बनर्जी की पार्टी प्रोटेस्ट करे, कौन रोक रहा है? और उचित समय दिया गया, कितना लंबा समय हो गया, उनसे जवाब मांगा गया, वो जवाब उन्होंने दिया है। तो जो फैसला हुआ है, अब इस तरह की आप सोचें कि मतलब कोई कितनों बड़ा आदमी हो जाए तो इस ये पैमाना नहीं बन सकता सही और गलत का। लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है उनके फैसले को चुनौती देना और उस पर प्रश्न खड़ा करना, ये एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की एंट्री होने जा रही है, कहा जा रहा है कि एक मंच पर अखिलेश यादव नीतीश कुमार दोनों लोग एक साथ मंच साझा करेंगे, पीडीए की बात जन जन तक पहुंचाएंगे। तीन प्रदेशों में आप लोगों का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, कितना कारगर साबित है? सब ये सारे फर्जी हैं, इनकी नीयत से पिछड़े वाकिफ हैं, इनकी नीयत से अति पिछड़े वाकिफ हैं, इनकी नीयत से दलित और जनजाति के लोग वाकिफ हैं कि इनकी नीयत में क्या है। जब ये लंबे समय तक सरकार चलाते हैं तो न इनको पिछड़ा याद होता है, न दलित याद होता है, न अल्पसंख्यक याद होता है, न जनजाति के लोग याद होते हैं। उस समय एक जात विशेष के लोग सिर्फ इनको याद आते हैं और सरकारी व्यवस्थाओं पर ये कुंडली मार कर बैठते हैं, जनता के पैसा को की लूट मचाते हैं, सब लोग जानते हैं। और नीतीश आ रहे हैं, आने दीजिए, नीतीश से बहुत बड़े बड़े कुर्मी नेता हमारे पास उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं, आए जाएँ लोग। जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके नौटंकी के पीछे इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस तीन राज्यों में चुनाव हार गई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो है सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया है। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद उन्होंने एक परिवर्तन पद यात्रा निकाला है, क्या लगता है? कुछ कई ठो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास, उनके अभियान को जमीन तक ले जाने के लिए पाँचों कार्यकर्ता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अब भी नहीं समझ में आ रहा है, आज उत्तर प्रदेश का विधान परिषद जो हमारा उच्च सदन है आज कांग्रेस विहीन हो गया, एक भी मेंबर नहीं है कांग्रेस में, और विधानसभा में भी नाम लेने के लिए एक मेंबर बचा, कहाँ कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में? उनका नाम लेना भी बेकार है, समय का नुकसान करते हैं। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर लगातार दिल्ली आ जा रहे हैं, अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? वो सब देखे क्या है कि हमारे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, उस पर टिप्पणी करना हमें उचित नहीं है। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा विस्तार होगा, विस्तार तो होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल लाजवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।